फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूं मामाअर्थ अनियन हेयर मास्क का ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट में दिखा देती हूं आज का प्रोडक्ट। आज मेरे हाथों में है मामाअर्थ अनियन हेयर मास्क, देख लीजिए। इसको मैं पिछले दो दिनों से अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद ही ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मामाअर्थ अनियन रेंज ये तो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे फ्रेंड ने मेरे को बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया था इसका रिव्यू करने के लिए, लेकिन अभी मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है तो मैं थोड़ा सा लेट अपडेट करती हूँ, सॉरी इसलिए। लेकिन अभी मेरे घर में आ गए हैं मामाअर्थ का अनियन रेंज और मैं जल्दी जल्दी से रिव्यू शेयर करूंगी, क्योंकि फर्स्ट में मैं यूज करती हूँ, उसके बाद ही मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस होते हैं प्रोडक्ट के साथ वो ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसका जो मेन काम है वो है हेयर फॉल को कम करना, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट से अनियन ऑयल, ब्लैक अनियन सीड्स ऑयल। ब्लैक अनियन सीड्स ऑयल का काम क्या क्या होते हैं चलिए एट ए ग्लांस फर्स्ट में बताती हूँ। फर्स्ट, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेयर फॉल को कम करते हैं, हेयर को लॉन्ग बनाते हैं, हेयर ब्रेकेज कम करते हैं, हेयर को सॉफ्ट सिल्की बाउंसी तो बनाते ही है, हेयर में अगर डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ स्प्लिट एंड्स जैसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। और एक हेयर मास्क लगाने से तो आप सब लोगों को पता ही है हेयर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सिल्की बाउंसी हो जाते हैं, साथ ही साथ हेयर में एक शाइन आते हैं। और अगर ऐसा एक प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जिसका मेन इंग्रेडिएंट है ब्लैक अनियन सीड्स ऑयल, तो हेयर में सच में एक अलग सा शाइन आ जाते हैं जो देखने में बहुत ही गॉर्जियस लगते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर है ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर। विनेगर का काम क्या है चलिए वो बताती हूँ। ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर हमारे हेयर को इतना सॉफ्ट बनाते हैं कि टच करने का मन आ जाते हैं, साथ ही साथ हेयर फॉल को कम करते हैं, हेयर का जो रूट से उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्कैल्प का पीएच को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ अगर डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो और क्या चाहिए एक हेयर मास्क से। और ये फॉर हेयर फॉल कंट्रोल ऊपर में लिखा है जो मैंने बता दिया, साथ ही साथ ये पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बाहर में धूल मिट्टी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और साथ ही साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। साल भर रहते हैं और कोई उम्र नहीं है, कोई भी उम्र में ये शुरू हो सकते हैं और शुरू होने के बाद ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप ये प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोग पहले से केयर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर एक बार प्रॉब्लम आ जाते हैं तो वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम एक दिन में आते जैसे नहीं है, जाते भी नहीं है। तो ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, वो मैंने शेयर किया। जैसे देखिए, कुछ दिन पहले मेरी हेयर फॉल नहीं, हेयर थोड़ा सा डैमेज हो गए थे, नीचे स्प्लिट एंड्स आ गए थे, तो इसलिए मैंने हेयर को कट करा लिया, क्योंकि अगर स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं तो हेयर को कट कराना बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद आप केयर करो तो हेयर रहेगी सॉफ्ट सिल्की बाउंसी मैनेजेबल। और ये अनियन हेयर मास्क का मेन काम है हेयर फॉल को कम करना। लेकिन इस जगह पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, देखिए बस हेयर मास्क लगाने से काम नहीं होगा, हेयर ऑयल, हेयर का शैम्पू एंड साथ साथ प्रॉपर टेक केयर, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीपिंग बहुत ही जरूरी होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड मेरे को कमेंट करते हो कि दी ये प्रोडक्ट काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं ये नहीं है, आजकल हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, प्रॉपर स्लीप भी जरूरी है हेयर केयर के लिए, प्रॉपर फूड भी जरूरी है। लेकिन अभी जैसे मेरे घर में बच्चा है, मेरे को पता है कभी ब्रेकफास्ट लेट कभी फास्ट, तो ऐसा होते रहते हैं सभी के साथ, तो इस के साथ भी हेयर फॉल रिलेट रहते हैं। तो थोड़ा सा केयर करने से, पहले से टेक केयर करने से, डेली टेक केयर करने से प्रॉब्लम कम होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी सभी के लाइफ में है, हेयर फॉल भी एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो सभी के पास है, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा। लेकिन हेयर केयर के रूटीन में आप लोग ऐड कर सकते हो अनियन रेंज, यानी कि अनियन हेयर ऑयल, अनियन शैम्पू एंड अनियन कंडीशनर, अनियन मास्क, तो आपका हेयर रहेगी प्रोटेक्टेड। अगर हेयर में प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम लेट आएगी, और अगर प्रॉब्लम है तो वो मैं क्लेम कर सकती हूँ विद इन 3 मंथ्स 70% तक कम हो जाएगी, लेकिन पूरा से पूरा खत्म नहीं होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे चीजें रहते हैं जो मैं अगर करना चाहती हूँ तो भी नहीं कर पाती हूँ। तो इस हिसाब से मैं ये पूरा बात को क्लियर कर दिया।
तो चलिए अभी मैं ये हेयर मास्क को अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मैं अप्लाई करती हूँ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लीजिए, कल मैंने शैम्पू किया था और आज मैं मेरी हेयर में अप्लाई करूंगी मामाअर्थ आनियन हेयर मास्क। ये हेयर मास्क हफ्ते में मैं एक दिन ट्राई करती हूँ और दो बार मैं लगा चुकी हूँ, उसके बाद ही ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं लेकिन हेयर फॉल का प्रॉब्लम जैसे एक दिन में आते भी नहीं है, एक दिन में जाते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अप्लाई कर लिया उसके बाद वाले दिन एकदम हेयर फॉल जीरो हो गया, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका हेयर ड्राई है, डैमेज है, रफ है, अनमैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, तो अगर हेयर को मैनेजेबल, बाउंसी, सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ बनाना चाहते हो तो ट्राई करके देख सकते हो आनियन हेयर मास्क मामाअर्थ का। और हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो डेली बेसिस पे पूरा के पूरा आनियन रेंज यूज करने से एटलीस्ट 3 मंथ्स यूज करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगी। एक दिन में हेयर फॉल का प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होते है। तो चलिए अभी अप्लाई करते हैं। ये एकदम क्रीम बेस है, देखिए बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है, व्हाइट कलर का है। और ये अभी मैं अप्लाई करूंगी मेरे हेयर में और अप्लाई करके बस 30 मिनट के लिए आप लोग वेट कीजिए। 30 मिनट बाद जो सल्फेट फ्री माइल्ड शैम्पू होते हैं उससे हेयर को वॉश कर लीजिए। देखिए फर्स्ट में मैं हाथों में रब कर रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ हेयर मास्क अपने हेयर में। क्रीम बेस है तो बहुत ही अच्छे से हेयर में अप्लाई हो जाती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी का लगाने का जरूरत नहीं है। देखिए इतना क्वांटिटी काफी है। तो इस तरह से छोटे छोटे करके बालों को ले लीजिए, पार्ट्स में डिवाइड करके और अप्लाई कीजिए मामाअर्थ आनियन हेयर मास्क। और अभी एक बात मैं और भी बताना चाहती हूँ जो है एरोमा। देखिए आनियन हेयर मास्क है इसका मतलब आनियन जैसे एरोमा ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एरोमा बहुत ही सुंदर है, फ्लावर के जैसे एरोमा होते हैं सेम, ये फ्लावर रात में जो फ्लावर आते हैं वो सारे फ्लावर का ही एरोमा जो होते हैं सेम एरोमा है। इसका एरोमा ऐसा नहीं है कि आनियन का एरोमा है, एकदम नहीं है। अच्छे से पूरे हेयर को कवर कर लीजिए। पैक के ऊपर लिखा है कि 30 मिनट रखने के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहते हो तो 2 से 3 घंटा भी रख सकते हो, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैं जैसे आज बस 30 मिनट के लिए इसको रखूंगी, उसके बाद मामाअर्थ के जो बेबी शैम्पू होते हैं उससे मैं आज हेयर को वॉश करूंगी। कोई भी शैम्पू, अगर माइल्ड शैम्पू आप लोग सर्च कर रहे हो तो बेबी शैम्पू से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकते है। मैं अर्जुन के लिए यूज करती हूँ मामाअर्थ के शैम्पू, तो आज मैं उसी शैम्पू से मेरी हेयर को वॉश करूंगी। देखिए ऑलमोस्ट हो गए है। अगर आपके हेयर में स्प्लिट एंड्स जैसे प्रॉब्लम है तो एंड्स पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। कोई भी हेयर मास्क, जो हेयर मास्क आप अप्लाई कर रहे हो तो एंड्स पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, तो स्प्लिट एंड्स जैसे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। और देखिए अभी हेयर मास्क अप्लाई हो गए हैं और अभी मैं एक क्लचर की मदद से हेयर को बंद करके रख दूंगी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद इसको मैं वॉश करूंगी मामाअर्थ के मिल्की सॉफ्ट जो बेबी शैम्पू आते हैं वही शैम्पू से। आप आपके पसंदीदा एक बेबी शैम्पू या फिर माइल्ड शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। तो यही है मेरी आज की मामाअर्थ आनियन हेयर मास्क का ऑनेस्ट रिव्यू, साथ ही साथ डेमो। अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियोस रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।